हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा चूरन चटनी। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद इज़ ऑल्सो अ साइंस, बल्कि आयुर्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। आयुर्वेद में भी आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। फर्स्ट, बुक्स टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए अगर हम आयुर्वेद को समझना चाहते हैं। सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। थर्ड, मिथ्स अबाउट आयुर्वेद। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद। ऐसी तीन बुक्स हैं जिनमें एक्चुअल आयुर्वेद को एक्सप्लेन किया गया है। इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है चरक संहिता, फिर आती है सुश्रुत संहिता, एंड लास्ट वन इज अष्टांग हृदय। फ्यूचर वीडियोस में हम इन बुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद दो वर्ड से मिलकर बना है, आयु एंड वेद। दैट मीन्स आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की डेफिनेशन चरक संहिता में एक श्लोक के फॉर्म में दे रखी है, जिसका मतलब है हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इन चार प्रकार की आयु का मान जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। लास्ट में अब हम बात करते हैं मिथ्स अबाउट आयुर्वेद। कुछ लोगों को लगता है आयुर्वेद इज़ स्लो एक्टिंग। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट पर इच्छा विधि रस का इफेक्ट देखें। सेकेंड मिथ है कि आयुर्वेद इज़ फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स। जिसका इफेक्ट्स होता है उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिंस पर भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल कैन कॉज हाइपर एसिडिटी।